हो सकता सू सीधा मत्था लाना पवे कि सरकार के नाल टक्कर लैनी पवे तिखे रूप च लैनी पवे डांगा भी बच सकदियां ने बछाड़ा भी अथरू गोले भी गोलियां भी चल सकदियां ने आ सकदियां ने तो वो असं तैयार रहना पैना तैयार क्यों रहना पैना क्योंकि साड़ी होंद की लड़ाई है यार साड़ी जिंदगी मौत की लड़ाई है घड़म चौधरी इन्होंने बादलों के कोई तुरै फिरता कांग्रसियों के नाल मैं इन्होंने भी कहना चाहना जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां गड्डियां लैके घूमते हैं तेल पाउण नूं पैसे नहीं होने घरे खड़ियां नूं जंगाल लग जाणी है जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां दो तंत्र मंजलियां सत्ती बैठे हैं ना ये डिगण लग जाणगियां ने स्यौं खा जी उन्होंने याद रखो रंग कराउण नूं पैसे नहीं होने साडे कोल इन्ने हालात बन जाणे आ अज जिहड़े तुसीं अज तुरे फिरदे ना असीं बादलों नाल ते असीं दूजा तीजा कैप्टनां ते होरां नाल इह किसे दे भी सके ये सारा कुछ यार आप गल करते हैं आ पंप इन्हां दे ने पंप भी बादल रोकी बैठे ने कोई कांग्रसियां दे एमएलए कोल एमपीआं कोल ने कोई बादलों कोल ने अपने बेस्ट प्राइज पुच्चो 50 लाख रुपया किराया बादलों जा रहा इन्ना हिस्सेदार ने इन्हां दे कारोबार च ये सोडा फायदा किवें कर देणगे उन्हां लोकां दी गल करूंगा जिहड़े लोग साडे पिंडां च इन्हां नाल जा रहे मैं कहिंदा उहनां नूं पता होणा यार तुसीं क्यों वागे तुहानूं पता नहीं कहिंदे भाई पता तां हैगा चेपो चेपी वागे आ जां मूंह मत्थे नूं वागे मूँह मत्था बाई जी की होंगे चेप की होंगी है मान लो कोई बंदे की कुंडी फड़ी जाती है पिंड चो बिजली वाली किसी थानेदार लै जाता है तो उत्थे कुंडी छड़ाती थानेदार तो छड़ा लिया बंदा सानी हो जाता भी चल कोई गल नहीं बंदा अपने मगर खड़ा सी आपां नाल जाण नूं कहिंदा पर नहीं यार नखेड़ा करना पैना नखेड़ दे वजह लकीर खिच दिओ रह जाण जिहड़े इन्हां दे पंज चारों चमचे चेले इन्हां दे हैगे कौली चट टोब दफा उहनूं मिलिया तो मैं उहदे एड्डी छेती किवें मैं नहीं कहिंदा मैं चंगा जां दीप माड़ा है जां दीप चंगा ये आने वाला समा ने तय करना है कि दीप ठीक है कल अज की घड़ी बिल्कुल वाजिब कर रहा जायज कर रहा वो भी एक इस अंदोलन का रूप ही है चाहे वह अड बैठा कितना कितने शक जरूर पैदा कर वो कुदरती गल रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत साढ़े नाल इस वक्त लखा सधाणा ने जो लगातार किसानों के हक में संघर्ष की आवाज़ आ बुलंद कर रहे हैं उन्होंने तो जानते हैं लखा जी सवाल यह है पहला ही कि जथेबंदियां 31 सी चलो 30 रह गई एक सस्पेंड करती है पर जो कलाकारां दी वारी आउंदी है ना समाज सेवियां दी वारी आउंदी है उन्हां नूं मैनूं इह लग रहा भी सिर्फ वरत्या जा रहा भीड़ इकट्ठी करन दे लई जिवें कि पहलां सियासी कुछ लोग वरतदे ने प्रचार च संघर्ष का हिस्सा पूर्ण रूप च नहीं बनाया जा रहा जां फिर किसी एकता जां मजदूर जो संघर्ष बनाए गए ने उन्हां च शामिल क्यों नहीं किया जा रहा इह चीज़ां नूं किवें देखदे हो मेरे पहली गल मैं ये कहनी चाहना कि संघर्ष का हिस्सा असी किसी के कहे कहाए नहीं बने जे मैं अपनी गल करा तो मैं तो बड़ा समय तो लग्या वा दर्द दर्द नूं लैके चलिया होया जिधर नूं भी कोई लोक लहर बनती है मैं उहदे नाल जुड़ जाना मैनूं हुंदा कि यार किते ना किते मैं अपनी जिहड़ी पंजाब दी जवानी है उन्हां तक सुनेहा पहुँचाउण च कामयाब हो जा कि साडी लड़ाई है की आ तां दूजी तुसीं गल कीती कि 31 तो 30 रह गई गल आप लखोवाल से कर लें तो मैं अज इतें भी रहा जो तो मैं किसान जथेबंदियों के कुछ आगू भी बैठे थे उत्थे तो मैं एक गल इन्हों उदों भी कही सी कि लखोवाल तो आप पहला पता ही है जग जा रहा गल्ला कि लखोवाल ने पहला किमें किमें घोल बेचे ने की कुछ करता रहा अज भी वह बिना इन्हों दसे तो मतलब कि चलया गया उत्थे हाई कोर्ट के चलया गया है ना लैके फैसले तो मैं इन्हों कहना मैं ऐसे बंद भी निजी तौर पर जानता जिड़े इन्होंने जथेबंदियों काम करते हैं जिन्होंने अपने घर लाए ने संघर्षा के अपन जिंदगियां लाइया ने अपने परिवार मतलब जो परिवार के अपने हित होंगे उन्होंने त्यागया तो कुछ मैं इन्होंने भी कहा हम थोड़ा होर भी पड़चोल करने की लड़ा हो सारा कुछ होर भी सोडे चाहे जे बंदे कोई कोई होंगी सारे ही होंगी है ना तो वह गल हूँ लखोवाल की आप बार बार की कर गए लखोवाल ने यार मैनू लगता कि की कुछ नहीं बनाया पंप बाहरले मुल्कों भी ला ले रहे छोटा मुंडा बाहरले मुल्क बफलो शहर आ उत्थे लाई बैठा सेहत पंप यहाँ छोटा जिहड़ा हैगा वड्डा हैगा इत्थे हरिंदर पिंड पंप लाई बैठा समराले लाई बैठा होटल खोली बैठे है बुढ़े आल दे विच उत्थे जिहड़ा गन्ना मिल उत्थे नौकरी कर रहा जाने मैं पता नहीं चलो इन्हां दी अपनी समझ होनी है पर मेरी समझ मुताबक जो आपां नूं बंदा पता है कि बंदे ने पहला भी घोला नूं ढा लाई है पहला ही नहीं लेना चाहिए सी तो हुण भी जे उन्हां नूं लगता कोई उस तरह के बंदे हैगे ने वैसे इन्हां ने अज्ज उहदा मतलब एक बार कढ़िया उन्होंने हाँ सस्पेंड किया कत्तियां जो 30 आ गई ये तो मैं लगता कि सोच समझ के जिहड़ा जथेबंदियां जो भी काम कर रही ने मेरा एक ही मकसद आ कि थोनों अगवाई है जी आपूँ ये नहीं कौन अगवाई कर रहा की कर रहा तुम इकट्ठे हो जाओ
अगवाई बेशक 31 जथेबंदियां कर लैन इन्हां दे अपने आगू चुने हुए कर लैन, लेकिन जो कितने ना कितने सवाल खड़े होंदे ने क्योंकि पूरा पंजाब है। पहली मुहिम मैनूं लगदी है जिहदे पूरा पंजाब हर वर्ग है, चाहे कोई वह छोटी जी दुकान कपड़े की चलाउंदा होवे, चाहे कोई नाई दुकान चलाउंदा होवे, चाहे कोई वैसे कोई छोटा मोटा व्यापारी होवे, और धरने दे विच शामिल जरूर होया। समाज सेवी भी ने, तुसीं समाज सेवी हो, कलाकार भी वड्डी गिणती दे विच ने, इन्हां दी कोई जथेबंदी नहीं बन रही या कितना कितने इन्हां नूं कितना कितने कोई प्रैशर पा के रोकण दी कोशिश की जा रही है कलाकारां दी। देखो मेरे जिहड़ी ना हर बंदे च ना एक जिहड़ी राजनीति आपां कह दईए ओह राय आपां कहिंदे जिहड़ी सियासी जमात आ उहनां च ज़्यादा सियासत हुंदी है, नहीं इह जिहड़ी सियासत आ ना इह सारे थावें ही आ। मैनूं इह लगदा कि उहनां नालों ज़्यादा जिहड़ियां दूजियां धिरां उहनां च ज़्यादा इक तेज सियासत आ। कलाकारां 'च भी बथेरी इन्हां रियासत में बथेरे मतलब कि इन्हां रियासत में मतभेद है ने, इन्हां 'च यह भी हुंदा है कि यार ये नवा जा गाउण लग्या, इहदे तां एक दो गीत ही आए आ, मैं तां स्टार हाँ, इन्हां 'च यह भी बड़ियां हुंदियां ने समस्यावां। पर मैं कहना जी आया नूं आ जिहड़े भी भरा गाउण वाले आए ने, मैं जिक्र करूँगा कुछ गाउण वालियां दा जिहड़े बेचारे रातां नूं भी मेरे नाल जा रहे ने। रात असीं पहलां सरसे सीगे, फिर रात नूं असीं आए रिफाइनरी दे उत्ते, रात नूं इक आउंदे दा मुंडे दा गाउण वाले दा एक्सीडेंट भी होया, गड्डी वज गई मूहरे गां आ गई। हरफ चीमे अर्गे ने, गुरविंदर बराड़ है, अपना दूजा जस है मुंडा, फिर कनवर गरे वाला, जेडे मैं इन्हों एक दिन सुनेहा लाया बाबा है जां होर है मुंडे, सिप्पी है, कई गां दे नां भी भुल जांदे, तां मैं सुनेहा लाया इन्हां नूं, मैं यार तुसीं एक दिन मैनूं जथेबंदी दा सुनेहा आया भाई अंबरसर जाना है ते फलौर जाना, मैं आखा यार आ सुनेहा, ये बेचारे अंबरसर भी गए फलौर भी गए, मुड़ के सारे इकट्ठे हो गए, शंभू जिहड़ी जथेबंदी बैठी रेल की लीह दे उत्ते उत्थे भी गए। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਈ ਜੋਗਰਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਈ ਜੋਗਰਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਐਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਾ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਰਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ੰਤ ਚਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਂ ਮੰਨ ਜੂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੋਲੇ ਵੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਸੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਉਂਖਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਪੰਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ,
पंप भी बादल रोकी बैठे ने, कोई कांग्रसियों के एम एल ए को एम पियाँ कोले ने, कोई बादलों कोले ने, अपने बेस्ट प्राइज पुचो 50 लाख रुपया किराया बादलों में जा रहा इन्ना हिस्सेदार ने इन्हे कारोबार से सोडा फायदा किमें कर देंगे जदों ही मान लो ये आप अज कहना ये रौला पाउंदे बादल के यार असी ए हो गया इन्होंने सब पढ़ के इन्हों का सहमति जिता के हुण दूजे पासे हो गए रौला सिर्फ लोग छित्र मारते हैं पर हाले मैं उन्हां लोगों की गल करूँगा जिहड़े लोग साढ़े पिंडां चों इन्हां नाल जा रहे हैं मैं कहिंदा नूं पुछदा हुंदा यार तुसीं क्यों वागे तुहानूं पता नहीं कहिंदे भाई पता तां हैगा झेपो झेपी वागे यार जां मूँह मत्थे नूं वागे मूँह मत्था बाई जी की हुंदा झेप की हुंदी है मान लो कोई बंदे की कुंडी फड़ी जाती है पिंड चों बिजली वाली किसी नूं थानेदार लै जांदा है तो उत्थे कुंडी छड़ाती थानेदार तो छड़ा लिया बंदा सानी हो जाता भी चल कोई गल नहीं यार बंदा अपने मगर खड़ा सी आपां नूं नाल जाण नूं कहिंदा पर नहीं यार नखेड़ा करना पैना नखेड़ दे वजह लखीर खिच दिओ रह जाण जिहड़े इहनां दे पंज चारों चमचे चेले इहनां दे हैगे कौली चट उन्होंने की करना हुंदा वो बई मैं बार बार ही ये गल हर स्टेज पर बोलता हुंदा कि उन्हां दा की काम है उन्हां नूं पंजाब नाल पंजाबीयत नाल कोई सरोकार नहीं कोई किसानी नाल सरोकार नहीं कोई दर्द नहीं उन्होंने देखना अपनी सरकार आ गई अपना एम एल ए है थानेदार ने 20,000 कर लिया 5,000 च पाया 15 थानेदार को देता आ टेलां की गल मैं बार बार करदा नवीं गल मेरे सामने आई मैं तां करदा मैनू भी कई बहुत बंदे ने दस्सिया गल कहिंदे बई हुण की कीता होया जिहड़े इन्हां दे हलकां चार्ज लाए हुंदे ने जिहड़े एम एल ए ने सारे पंजां कोल नहीं कोई मैं कहिंदा कुछ बंदे चंगे भी हैगे उच चंगे सरपंच भी होणगे चंगे बी डी ओ सैकटरी भी होणगे कहिंदे रुपया सरपंच का करिया होया 2.5 रुपया सैकटरी का 2 रुपये हैगे अपने बी डी ओ दे 3 रुपये एम एल ए ने टैल जी 8 रुपया की टैल पैंती है इंटरलॉक जिहड़ियां बीहां चिणी जांदी है पिंडां च ते बे पा दिंदे आ रेट 16 या 17 रुपये सो वो जिहड़े बंदे नूं बई जी हुण अज 2-4 लाख रुपया बनता है किसी सरपंच नूं किसी मोहत इन किसी जिहनूं टैलां की फैक्टरी लवाई बैठे उन्हूं बनता वह तो फिर कोशिश यही करूँ ना भी मैं वध तों वध लोगों अपना सानी बना के झेपी बना के लोगों नूं नाल जोड़ा लोगों नूं लाश देवां किसी नूं दारू पियावां किसी की पेंशन लवा दां किसी का कुछ करा दें छोटिया छोटिया उन्हां दीआं जिहड़ियां गरजां ने उहनूं मैं पूरा करके नाल जोड़ के अपने हक च अपने एम एल ए दे हक च भुता के सरकार बनावां तां कि मैं फिर अपना जिहड़ा आही काम ही चलावां कह रहे हो कि सानू कितना कितने हुण दूजा व्यौंत बंदी नवीं उलीकनी पऊगी मैनूं एक प्रदर्शन याद आ रहा है एक विदेश जगह हुंदा बूट फैक्टरी सी उत्ते मंगा बनाउणियां सी मुलाजमान ने एक पैर का बूट बनाउणा शुरू कर दिता प्रोडक्शन ही बंद की दो दिन बाद मंगा मनिया जांदियां उन्हां ने दूजे पैर बनाउणा शुरू करता यानी कि प्रोडक्शन बंद नहीं हुई लेकिन किसी काम की नहीं सी तुहानूं नहीं लगता भी पंप पहला भी 10 साल बंद रहे ने उदों कोई फर्क नहीं पिया बहुत उस परिवार को जिस दे हुण आपां घेरी बैठे हाँ या सैलोज की बंद गल कर लीए आपां नूं कोई नवी नीति अपनानी पऊगी जो अजिहा ही कोई प्रदर्शन करना पऊगा पंजाब नूं भी घाटा ना पवे पर आवाज़ आ इस तरीके ना पहुँचे कि तख्त हिले बिल्कुल भाई ये दो तीन गल्लां पहली गल तो यह है कि सानू जिन्ना चिर असी लामबंदी नहीं कर सकते बड़ी ताकत नहीं जुटा सकते असी अपने हाथ से अपन लग्या कि लोग अज घर घर का बंदा घर घर की माँ भैन सड़कों पर आने तैयार है तो वह समझ गई है बड़ी गल हुंदी समझ दी लड़ाई समझ ना लड़ी जाती है बेसमझी लड़ाई नहीं कोई बंदा लड़ सकता ठीक है कोई तेरे मेरे अगे दे कहे आ तो जरूर जाता पर जदों ही कोई उन्होंने झटका लगता पिछे हट जाता जो ये समझाने कामयाब हो गए पंजाब जिहड़ा मर्जी संघर्ष का तिखा रूप दे दे तो पंजाब जितूगा यही मैं वार बार भी जिते कोई जथेबंदियों गल चलती है या होर गल चलती तो मैं वार बार ही गल कहना हूँ कि यार सानू कोई ना कोई सेक जरा लाना पैना दूजी गल तुम भरा की 10 साल पंप बंद रहे हो रहे रहे यह जी गल नहीं है इन्ना जिस मैं थोड़ा एक उदाहरण दिना मैं जिदे रिलायंस मार्केट बठिंडे असी जिते बैठे हाँ हफ्ते तो 50 लख 60 लख की एक दिहाड़ी की एक दिन की सेल तो उसे तुम ये देखोगे जो 50-60 लख रुपया जो एक थान तो घाटा पै रहा टोलों को 10-15 लख का घाटा है रिफाइनरी जिंद मैं अज भी गल रखी रिफाइनरी के करोड़ों का कारोबार आ रोज़ का जो रिफाइनरी घिर जाए किसान जथेबंदियों प्रोग्राम दे रिफाइनरी घेरेंगे तो मैं कहना चीख बज जानी है यार पंजां दिनां दे विच ही सो ये गल सानू पर उहदे लई पता की है तत्ता लक्कण नाल मूँह मच जाता है साड़ी उड़ी तैयारी होवे ना लोगों असी लाम बंद कर रहे ना सके हाले तो लोगों समझा नहीं सके असी मैं बार बार जिक्र करदा ना मेरे ताए का मुंडा इन्हां नाल वग गया बादलां नाल मैं उहनूं पुछया मैं तूं कब वग गया कहिंदा भाई हुण तां किसानां दे हक च गल करदे इन्हां ने अस्तीफा देता मैं क्या हुण हक च गल करदे आ हुण अस्तीफा देता तैनूं पता अस्तीफा क्यों दिता हक च क्यों आए ने कहिंदा नहीं यार ये तो गल्लां जो ये करदे आ तां सानूं ऐ लगदा बहुत दर्द है इन्हां दे दिल च किसान दा मैं क्या भलिया मानसा इन्हां ने आने वाले समय के देख रहे भी 2022 असीं किवें जितनी है उहदे चों अस्तीफा निकल के आया उहदे चों गठजोड़ टुट्टिया ये नहीं पता
बीजेपी ने सांडा गांडा करके गठ जोड़ तोड़िया होवे भी असीं लोगों को गुमराह करांगे जाके पिंडां च वी असीं तुहाडे नाल हैं पिंडां वाले वोटां असीं लै लांगे शहरां वाले तुसीं लै लो जिहड़े एजेंडे नाल तुसीं लैणियां ने जिहड़ा एजेंडा खेड रही है बीजेपी कि आपां बाई च फिर इकट्ठे हो जाएंगे उदू बाद हो सारा यही रणनीति होवे जाने असीं तां हले उहनां लोगों को समझाउण च कामयाब नहीं हो रहे तो गल असी अज को तिखा रूप दे दीए किसी एक्शन को किसी लड़ाई को उत्थे गलबात कोई घटना वापर जाए साडे मुंडिआं दा नौजवानां दा कोई नुकसान हो जाए किसी पक्षों तो अगला कहना आओ चले सी मूँह चक के वह नुकसान कराता। सो इस गल करके मैं कहना कि सानू बड़ी संजमना सूझ ना शांति ना रणनीति ना व्यौंतबंदी बड़ी जरूरी होंगी है बिना व्यौंते जो अं तुरते हैं तो लड़ाइया के मूँह सर होर हो जाते हैं मूँह सर होर हो जाते इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल है कि जो संघर्ष पैदा होंगे ना कि नवी सियासी धिर जरूर खड़ी होंगी है पंजाब की गल कर लिए चाहे पंजाब के पानी की गल हो जाए चाहे अज पंजाब की खेती की गल हो जाए पंजाबी भाषा की गल हो जाए तो कितना कितने चारे पास्यों घेरा पिया होया चाहे धर्म की गल भी हो जाए उस चीज़ को डकण के लिए मुकाबला करन के लिए तुसी की मानते हो जेकर इतों सियासी धिर उठती है तुसी एक जथेबंदी इकट्ठी होगी एक कत्ती लोग कत्ती जथेबंदियां वक्रियां हो गई तुसी समाज सेवी हो कलाकारां विच विचरदे हो जे नवी जथेबंदी कोई नवी सियासी धिर उठती है कि वह पंजाब दे लई चंगी होगी जां कि पंजाब नूं प्रवान होगी जां तुहानूं वी की प्रवान होगी। मेरे इस गल तुसी कीती कि धर्म की गल भी लियांदी जथेबंदी दी उठण की गल कीती नवां ही गल जिहड़ी मैं मेरे दिमाग च आ गई सानूं दसदा जिहड़े साबका जज ने सारों उन्हां नूं रात गुरद्वारा कमिशन का कमिश्नर लान दिता गया भी मैं ये गल दस दिन पहला कहती सी कि 2021 के श्रोमणी कमेटी दी चोणां आ रही ने तकड़े हो जाओ मैं लोगों नूं कहना चाहुंदा आर एस एस बीजेपी का इको ही एजेंडा हुण तो असिद्धे रूप च काबज सीगे साडी एस जी पी सी दे उत्ते साडे गुरु घरां दे उत्ते साडे इतिहास दे उत्ते उह सिद्धे रूप च बंदे तारनगे वो कोई ढींडसे वर्गा भी हो सारा जिहड़ा इन्हां दा बनिया होया अज ठीक है ना कोई होर भी इस तरह जिवें इन्हां दी इक आर एस एस राष्ट्रीय सिख संगत बनी हुई है जिन्हों लगातार नागपुर है उत्थे बिठा बिठा बंदिआं नूं सिख हिस्टरी की सिख धर्म ग्रंथां की स्टडी करा रहे हैं कि किवें तुसीं पंजाब च विचरना किवें लोगों नूं गुमराह करके अपने मगर लाउणा किवें लोग तुहाडे भावक हो के मगर किवें आपां उत्थे वो बंदे फिट करने आ जदों बई जी वो चेहरे साडे वाले होए गल्लां साडियां होईयां ठेठ पंजाबी च गल करदे होए तो सारा कुछ उन्होंने ऐन उंगलों पर होया साडा इतिहास साढ़े धार्मिक ग्रंथों की जो व्याख्या उंगलों पर हुई सानू लगू तो पता नहीं कित्थे बैठे थे बड़े तकड़े विद्वान ने यार पर उन्होंने लगातार पिछले 30-40 साल तो तैयार कर रहे हैं बड़ी यह सानू आने वाले समय के बहुत गौर नाल चलना पैना समझ के चलना पैना तैयार हो जाओ। मैं कहना एक पासे असीं कहने बादलों तो असीं एस जी पी सी आजाद कराउणा कि ना हो बिल्कुल मैं कहना बादल इन्हां दे हाथ ठोके ने बादल ने बड़ा नुकसान किया पंथ दा कौम दा पंजाब दा कोई शक नहीं तो कोई दो रामा नहीं पर कदे ये ना हो असीं खूह चों निकल के खाते च डिग पीए असीं इधरों निकल गए तो इन्हां दे हाथ फड़ा दे जिहड़े जमे सिद्धे रूप च काबज हो जाण। सो ध्यान रखियो फिरदे ने आले दुआले साडे बंदे घुमदे उह भी अज जिहड़ियां चक लईआं उन्होंने अपनियां पुछां दे किवें आउणगे तुसीं देखोगे 2021 दे विच चोणां दे विच इह मेरा वीर बहुत खास ख्याल रखण वाली गल आ। तो दूजी गल तुसीं गल कीती कि नवीं लीडरशिप कोई उभर सकती है मैं यही गल कहना कि पंजाब नूं अज योग अगवाई की लोड़ आ पर योग अगवाई होवे कि सानू हमेशा ही इत्थों धोखा मिलता रहा साडे भरोसे नूं सट बजदी दी रही साडे नाल विश्वासघात हुंदा रहा जिहड़ा बंदा भी धार्मिक खेत्र च आया राजनीतिक खेत्र च आया गल्लां पंजाब दीआं पंथ दीआं कौम दीआं पंजाबी बोली दीआं पंजाब दे पाणी दीआं पर हमेशा लोगों को दगा दिंदा रहे दगा मिलती रही लोगों ने बेवफाई होंदी रही यार वो बंदे हुण आपां गल कर लैणे आ दीप सिद्धू की आपां गल आ जांदी है। दीप सिद्धू भरा अपना मैं दो दफा नूं बंदे नूं मिलिया तो तीजी बारी शंभू मिले हाँ बैठा तो अज वो भी जिहड़ी गल कर रहा ना तो वो भी मैं समझदा कि गल 100% सही कर रहा है कि जिहड़ी एक किसानी अंदोलन उठिया होया मेरी निजी विचारधारा कि जथेबंदी की नहीं उन्होंने अलग विचारधारा वो कल्ला ये नहीं उठा कि यार साडी किसानी नूं मार पैगी साडे पानी नूं मार पैगी ये वो 70-72 साल का गुस्सा है वो रोह है जिहड़ा लगातार 47 तो बाद साडे नाल जो जो इत्थे वापरिया करे साडे सूबे तोड़ते करे साडी राजधानी सत्त खोली गई करे साडे बोली नूं मारिया गया करे साडे पानी खोले गए करे सानू अतवादी कह के मारिया गया करे साडे बलात्कार होए करे साडे तख्त ढाहे गए है ना करे साडे झूठे मुकाबले बनाए गए करे सानू
इस गल करके सजावं हुई कि इन्हों को सिख लिटरेचर मिले, सिख लिटरेचर हुशियारपुर अदालत ने सज़ा की, सिख साहित्य दीयां किताबां मिलन करके 20-20 साल तिन्न मुंडियां नूं कैद हुई है। ये रोए गुस्सा उस चों निकलिया होया। अगला सवाल बनता, मैनूं बहुत मुंडे पुछदे आ भाई दीप नाल चल, भाई दीप नाल चल, भाई दीप गल्लां सही कर रहा। मैं कहा मैं समझदा, मैं तां अज दा नहीं, मेरा 7-8 साल दा इह गल्लां पिटदा कि हाँ आह गल हो रही है, आह गल हो रही है, असल लड़ाई साड़ी ये, असल लड़ाई साड़ी ये आ। मैं तो बहुत चिर गल करदा पर भरा मेरे आपां बाला विचरे नहीं। आपां किसी नूं कोई सज्जण बनाउणा होवे ना, जिन्हें दो चार ही गल्लां करनियां होणियां उतलियां उतलियां, उहनूं भी टोहने हुंदे आ। आपां बस 'च बैठे जांदे होईए ना, नाल दे नूं बुलाउणा होवे तां आपां पहलां पुछदे हुंदे आ भाई किहड़ा पिंड है, की नाँ है, की करदा है, है ना। फिर ही उन्होंने माड़ा मोटा आपां कोई एड्डी सांझ नहीं करनी होंदी जिवें इहदा हुण लड़ाई लड़न जा रहे हैं ना, तो उत्थे भी आपां बंदे नूं टोह के गल करदे आ जरूरी। हुण मैं दो दफा उन्होंने मिलिया तो मैं उत्थे एड्डी छेती किवें, मैं नहीं कहिंदा मैं चंगा जां दीप माड़ा है जां दीप चंगा है। ये आने वाला समां ने तय करना है कि दीप ठीक है, गल अज दी घड़ी बिल्कुल वाजिब कर रहा, जायज कर रहा, वह भी एक इस अंदोलन का रूप ही हैगा चाहे वह अड बैठा है। पर जो दोष उहदे लग रहे ने तां मतलब कितना कितने शक जरूर पैदा कर, वह भी कुदरती गल आ। मैं पहला यह देखिया, मेरे ना तो निजी तौर पर धोखे हो गए, मेरे नाल रहिंदे ने, मेरे घर दीयां वीडियो तक बना के भेज दी, इन्होंने मैं 5-5-4 साल मेरे नाल कट्टिया है ना। तो जां मैं जे पंजाब दे संदर्भ विच देखदा तां उह आगू आपां कढ लैंदे जिहड़े मिट्टियां चक्के वी सोहां खांदे सी, ते जिहड़ियां वड्डे वड्डे दावे करदे सी पंजाब लई लड़न दे, मरन दे, खड़न दे, कि बड़ा दर्द सी उहनां नूं लगदा सी पंजाब दे लोकां नूं, तां उह वी लोक यार किते ना किते आ के दगा दे के गए ने पंजाब नूं। तां मैं किवें एड्डी छेती यकीन करके उत्थे भरावा नाल बहि जां जा के, मेरे मन च खदशा इही है। लड़ाई इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है, लंबी लड़ाई है, लेकिन सुचेत रहने की वड्डी लोड़ है कि सुचेत रहा जाए तो सही दिशा दे विच ये लड़ाई नूं लैके जाया जाए। मैं सुरखाब अपने सहयोगी जस्सी दे नाल रोजाना स्पोक्समैन चंडीगढ़।